क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्कूल है 6455 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में 6455 स्टूडेंट्स हैं। द स्पोर्ट मास्टर विशेष टू ऑर्गेनाइज देम इनटू रो एंड कॉलम, उनको स्पोर्ट मास्टर ने रो और कॉलम में डिवाइड किया। सच दैट दे फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर, ही फाइंड्स दैट 55 स्टूडेंट्स आर अब्सेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। डिवाइड किया था रो और कॉलम में, तो उसमें से 55 स्टूडेंट्स अब्सेंट हो गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट थे ईच रो में। तो पहले हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इक्वल टू x, हमने स्टूडेंट्स को मान लिया और गिवन है हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितने हैं 6455 अब्सेंट स्टूडेंट्स वो कितने हैं 55। तो लेफ्ट स्टूडेंट्स कितने बचेंगे, इसको ऐसे लिखे कर लीजिए 6455 माइनस 55, तो 6400 ये लेफ्ट स्टूडेंट्स। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू लेफ्ट स्टूडेंट्स। यहां पर लेफ्ट स्टूडेंट्स है, तो हमने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की तरफ लिख सकते हैं, जितनी रो होंगी उतने कॉलम होंगे, तो हमने दोनों को एक्स मान लिया है। यहां पे आप लिख सकते हैं रो, क्वेश्चन में रो के लिए पूछा गया है, तो रो और कॉलम सेम होगी, तो यहां पर लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स, मीन लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो या कॉलम किसी में भी पूछा जाए वो एक्स ही होंगे। तो एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 6400, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6400, तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये टू का साइन रहेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 6400, तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 80 इंटू 80, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 80। तो ईच रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो 80 लिख सकते हैं। देयरफोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इक्वल टू 80, ये आपका आंसर है। नंबर सेवन, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 7396 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स साइड, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है आपको और उसकी साइड्स निकालना है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये है आपका सेवन, गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 7396, यूनिट देख लेते हैं क्या लिखी है, यूनिट जो आपकी लिखी है इसमें स्क्वायर मीटर, और हमको निकालना है साइड ऑफ स्क्वायर, तो ये आपका क्वेश्चन साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो यहां पर आप एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया गया है, तो लिख दीजिए 7396 और साइड ऑफ स्क्वायर क्या करिए आप यहां पर कर दो ज्यादा है, तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है वहां पे एक्स कर दीजिए, एक्स साइड ऑफ स्क्वायर एक्स हो गया, तो क्या होगा
एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7396, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7396, तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7396, इसके स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम डिवीजन मेथड से कर लेंगे, तो पेयर बने इसके। अब यदि 9 लिखते हैं तो 81 हो जाएगा और 8 64, तो 8 इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा और कैंसिल हो जाएगा, 996 आ जाएगा, इधर उतारेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इधर हम यदि 7 लिखते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 6 लिख के देखते हैं, 166 इंटू 6, 36 की 6 कैरी आई 3 और 39 फिर 3 बचेगी कैरी, तो 996 मीन्स अगर यहाँ 6 लिख दिया जाए तो यहाँ पर 86 आएगी, मतलब यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा यहाँ पर भी 6 लिखना पड़ेगा, और 166 और 6 का मल्टीप्लाई हो तो 996 आएगा, तो यहाँ पर 996 आएगा, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो स्क्वायर रूट आया स्क्वायर रूट ऑफ 7396, तो x इक्वल टू कितना है 86 मीटर, ये साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर 80 cm एंड 18 cm, फाइंड इट्स डायगोनल, इसका डायगोनल निकालना है, और रेक्टेंगल्स की हमें साइड दी गई है, मतलब लेंथ और विड्थ दी गई है, तो गिवन साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर, क्या साइड दी गई है आपको, दी गई है 80 cm एंड 18 cm, ये आपको साइड दी गई है, इसमें से जो ज्यादा है उसको मैं लेंथ ले लेता हूं, तो लेट l इक्वल टू 80 cm एंड b इक्वल टू, l मीन्स लेंथ हो गया और b मीन्स ब्रीथ हो गया 18 cm, और हमें डायगोनल निकालना, जो रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले, आप ये रेक्टेंगल बन गया, इसमें ये लेंथ हो गई और ये ब्रीथ हो गई, इसका ये डायगोनल ऐसा बनेगा, ये डायगोनल बना, इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी, इस हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड इट्स डायगोनल, इसका डायगोनल निकालना है, मीन्स ये निकालना है डायगोनल, तो यदि अभी हम देखें इसमें तो ये अगर ए डी और बी को देखें तो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो लिखेंगे राइट ट्रायंगल ए बी डी, तो देखिए इधर हमें मालूम होगा कि जब राइट ट्रायंगल्स होता है वहां पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे एबीडी, तो लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इधर देखिए एच क्या है, एच जो है वो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है, मीन्स ये बीडी जो है वो एच है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं बीडी का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है एडी का स्क्वायर, और बी क्या है आपका एबी का स्क्वायर, ये अब आपको बीडी निकालना है तो बीडी का स्क्वायर है यहां, और एडी आपको दिया है 18 का स्क्वायर, और एबी जो दिया है वो दिया है 80 का स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 इंटू 18 होगा तो 324, और इसका करेंगे तो 6400, अब दोनों को प्लस कर लेंगे 6400 और 324, तो 6724, ये आएगा आपका बीडी स्क्वायर, ये बीडी स्क्वायर आपका आया।
अब क्या करेंगे, बीडी जब निकालना होगा, बीडी स्क्वायर इक्वल टू 6724 दिया, बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6724। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो निकालेंगे तो हो जाएगा आपका ये 8 8 64, 7 में से 4 जाएगा 3, और यहां पर 3 2 4, यहां पर प्लस कर देंगे तो यदि अगर 4 लिखते हैं इधर तो कितना आएगा, 164 बनेगा, तो 4 4 जा 4 लिखने से 2 लिख के देखते हैं, 4 लिखने से ज्यादा हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4 2 6 जा 12, 324 आएगा, मीन्स यहां भी 2 और यहां पर भी 2, तो 324 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा मतलब BD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6724, तो BD इक्वल टू आपका आ जाएगा 82 cm, और BD क्या है, डायगोनल है, तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था फाइंड इट्स डायगोनल, तो ये डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल इक्वल टू BD इक्वल टू 82 cm, मीन्स ये हमने डायगोनल निकाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 7582, मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स 7581 में क्या सबट्रैक्ट कर दें जिससे जो गिवेन नंबर है मीन्स 7581 वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इसके लिए हमें पहले तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, 7581 इसका पेयर बनाया, 8 8 जा 64, यहां से माइनस किया तो 11 बचेगा, और ये 81 यहां लिख दिया, यहां पर भी प्लस किया तो 160 मिला ये, और यहां पर अगर 8 लिखते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 लिखेंगे तो ये 87 हो जाएगा, और 167 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 40 99, कैरी आई 4 46, और 1169 आएगा, और इसका यदि माइनस कर देंगे तो 12 रिमाइंडर बचेगा। अब हमें स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेगा, हियर वी गेट रिमाइंडर इज 12, दिस मीन्स 12 इज सब्ट्रैक्टेड, 12 इज सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टेड दिस मीन्स 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581, द रिमाइंडर विल बी जीरो। यदि हम इस नंबर में 7581 में 12 को सबट्रैक्ट करें तो हमें रिमाइंडर जीरो मिलना चाहिए, तो देयरफोर द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड 12 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमने लिख दिया कि यदि 12 का सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इस नंबर से तो जो हमें नंबर्स मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, और यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो किसका 7581 माइनस 12, तो इसका करके देख लीजिए तो 9 और यहां से 6 और 5 7569, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 6203 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स ये हमें लीस्ट नंबर पता करना है जिसको 6203 में ऐड कर दें तो 6000
203 में ऐड करने पे जो नंबर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा और उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख के क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ए स्कूल देयर आर 3050 चिल्ड्रन, इफ ए स्क्वायर फॉर्मेशन इज टू बी मेड, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट ऑफ द स्क्वायर। एक स्कूल में 3050 चिल्ड्रन है और उन्हें हमें स्क्वायर फॉर्मेशन में रखना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट कितने वो बताना है। कुछ नहीं, इसका हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए 3050 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे लेफ्ट स्टूडेंट्स होंगे जो इसमें पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, 11,500 पीपल पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन कैंपिंग, द सीटिंग अरेंजमेंट हैज ए मैनी रो एच कॉलम बट 51 पीपल्स वर लेफ्ट स्टैंडिंग, हाउ मैनी रो आर देयर। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है और इसको मैं करके बता दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, टोटल नंबर ऑफ इलेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्शंस कंपेनियन कितना है, 11,500 और नंबर ऑफ लेफ्ट पीपल वो कितने हैं, 51। ये लेफ्ट पीपल है 51, यहां पर जो है गड़बड़ लिख गया है, नंबर ऑफ लेफ्ट पीपल्स है 51। तो हम क्या करेंगे, अब ये हमें लेफ्ट पीपल्स हैं तो नंबर ऑफ इलेक्शन कंपेनियन कितने बचे, जब इसको माइनस कर देंगे तो 9,11,500 - 51 इसको माइनस करेंगे तो ये लेफ्ट इलेक्शंस कंपेनियंस बचे, लेफ्ट इलेक्शन कंपेनियन तो कितना आएगा, ये माइनस करने पे आएगा 11,449 और इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेंगे। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका ऐसा पेयर बना और वन का नहीं बन रहा, तो यहां पे आएगा वन और यदि टू लेते तो ज्यादा हो जाता, 14 उतारेंगे तो यहाँ पे वन हो जाएगा और टू, यदि वन लिखते हैं तो ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा, तो 20 × 0 जीरो हो जाएगा, ये तो 14 हो जाएगा, 49 यहाँ पे जीरो प्लस कर देंगे तो 20 होगा। अब यदि हम 8 लिखते हैं तो ज्यादा हो जाएगा तो 7 ले लेंगे, तो 7 लेने पर इतना ही आएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इसका स्क्वायर रूट हमने जो फाइंड किया 107। तो नंबर ऑफ रो आर, नंबर ऑफ रो आर 107, ये आंसर आपका आ गया। तो यहां से आपका एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होता है। मैंने अधिकांश प्रश्नों को बताया है, एक दो प्रश्नों को नहीं बताया, यदि आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।